नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री कमोडिटी के लिए काफ़ी मिक्स भरा रहा, जहां हमने काफ़ी अच्छी वॉलिटिटी देखी। देखिए, जब से मई मंथ स्टार्ट हुआ है, हमने देखा सारे एसेट क्लास में गिरावट आती हुई देखी, जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने पूरे एग्री पैक में बनते हुए देखा। ऊंचे भाव से ज़बरदस्त गिरावट भी आई, बट फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से प्राइजेस में लोअर लेवल से वापस तेजी भी बनती हुई दिखाई दी। सबसे पहले अगर हम कैस्टर की बात करें, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वॉलिटिटी के बावजूद 2% की तेजी के साथ प्राइजेस 7350 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से हम जानते हैं कि इस बार प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं बीच में हमने जो गिरावट देखी थी, चाइना में लॉकडाउन के चलते प्राइजेस ने 7000 तक का भी लो मारता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि चाइना मार्केट ओपन होने पर कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रांग होने की उम्मीद है, जिसका सपोर्ट कैस्टर को मिलेगा, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा, जो 7550 से 7600 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल अगला हफ्ता पॉजिटिव है, जो 7420 का लेवल तोड़ के 7540 तक का लेवल दिखा सकता है। दूसरी कमोडिटी मैंथा ऑयल है, जहाँ पे हमने 3.25% से ज़्यादा की तेजी आते हुए देखी। प्राइजेस 1120 के ऊपर के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम माने तो प्रोडक्शन इस बार कम रहने की उम्मीद है, साथ में चाइना फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट इंडस्ट्रियल डिमांड हमने काफ़ी डिटोरेट होते हुए देखी है, पोस्ट कोविड भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 10 दिन में जैसे चाइना मार्केट ओपन होता है, एक्सपोर्ट डिमांड वापस बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं सिंथेटिक मेंथा के भी जो प्रोडक्शन है, उनमें ड्रॉप देखा जा रहा है 62 के यूनिट क्लोजर्स के बाद, जिस ढंग से हमने यूरोप में कंसर्न्स देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेंथा को भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है, जो 1300 तक के भी लेवल दिखा दे, बट अगले हफ्ते की बात करें तो 1100 के ऊपर मेंटेन रहने पे 1156 से लेकर 1170 तक का लेवल देख सकते हैं। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, तो कॉटन के प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी। डोमेस्टिक मार्केट पे हमने ऑलमोस्ट 49,000 का लेवल तोड़ते हुए देखा, प्राइजेस 4.25% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर हमने 3000 का लेवल रीगेन करते हुए जरूर देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है टाइमिंग। मार्केट के अंदर थोड़ा डिमांड कंसर्न जरूर था, बट जो पिछले हुए हफ्ते हमने गिरावट देखी थी, उसके बाद लोअर लेवल्स पे बाइंग भी लौटते हुए देखी। कॉटन के अंदर एरिया थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट पे, क्योंकि अर्ली स्विंग हमने नॉर्थ साइड में होते हुए देखी है, जबकि टेक्सास के अंदर वेदर ड्रॉट कंडीशन की वजह से प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक अगला एक हफ्ता कंसोलिडेशन का है, टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग भी है, बट कहीं ना कहीं 44,000 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, गुंजाइश है कि कॉटन 50,000 तक का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा। वही कॉटन सीड ऑयल के 10 मई तक 2800 से लेकर 3050 के दायरे में ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। गवार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्राइजेस में हमने स्टेबिलिटी आते हुए देखी। अदर असेट क्लास में गिरावट के चलते गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने गिरावट बनते हुए देखी है। रिस्क काउंट में कंटिन्यू बढ़ोतरी है, जो लॉन्ग टर्म के लिए गवार को सपोर्ट देता है। साथ में रुपए में जो गिरावट है, ये भी एक्सपोर्टिंग कमोडिटी को सपोर्ट देती है, जिसमें हम गवार गम को इसका सपोर्ट लेते हुए देखेंगे। पिछला हफ्ता सभी एग्री में गिरावट के चलते कहीं ना कहीं गवार कॉम्प्लेक्स पर भी हमने एक प्रेशर बनते हुए देखा, पर साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो 6000 से 6200 का एक दायरा गवार सीड के लिए। वहीं गवार गम की अगर हम बात करें, तो 11200 से लेकर 12000 के बीच में ही मार्केट मूव करते हुए दिखाई देंगे। मसालों की अगर बात करें, तो हल्दी के अंदर अच्छी गिरावट के बाद लोअर लेवल से मार्केट रिकवर करते हुए दिखे। प्राइजेस स्टेबल थे, 8250 के करीब मार्केट आते हुए दिखाई दिया। कहीं ना कहीं मार्केट 8500 का लेवल रेजिस्टेंट के रूप में दिखाता हुआ दिखाई देगा। 8200 के करीब लीजिए, बट 100-150 पॉइंट मिलने पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं जीरे धनिया के अंदर लोअर लेवल से 3 से 3.5% की तेजी जरूर देखी है, बट अभी भी हायर लेवल्स पे लेवाली कमजोर होते हुए दिखाई दे रही। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो अभी भी मजबूत है, बट उम्मीद है प्राइजेस 22,000 का लेवल जीरा तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं 12,000 का लेवल कोरिएंडर तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डाउन साइड सपोर्ट की बात करें, तो 21,100 तक का सपोर्ट जीरे में और 11,200 का सपोर्ट कोरिएंडर में मिलता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए वेट करके बाइंग करके चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।